अब खबर हिमाचल से। HPCA के क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला के निर्माण के मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और हिमाचल के हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट स्टेडियम मामले में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल समेत अन्य के खिलाफ दर्ज FIR शुक्रवार को रद्द कर दी। इससे पहले 3 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अनुराग पर आरोप था कि उन्होंने लीज पर दी गई जमीन पर निर्माण में अनियमितताएं बरती हैं। ऐसे में अब यह फैसला उनके लिए राहत लेकर आया है। राजनीतिक बदले की भावना से किए गए मामले सब कोर्ट में जाके गलत साबित हुए हैं और एक बड़ी राहत कोर्ट से हमें मिल रही है। मैं मानता हूं कि इस तरह का जो काम इन्होंने किया था उनको भी आज एक करारा सबक मिला होगा कि झूठे मामले दर्ज करने से कुछ नहीं होता, सच्चाई की जीत होती। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं, जो पिछले कई वर्षों में कांग्रेस ने राजनीतिक कारणों से मुकदमे दर्ज किए मुझे, मेरे परिवार को, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के मेरे सहयोगियों को अपमानित और प्रताड़ित करने का काम किया है, खेलों को दबाने का, कुचलने का काम किया है, हिमाचल के विकास को रोकने का काम किया है। 5 वर्ष करोड़ों रुपए इस पर बर्बाद कर दिए कांग्रेस की सरकार ने कि किस तरह से हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हो, प्रताड़ित किया जाए। आज सत्य की जीत हुई है। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए NV News YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।